मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए मैथमेनिया की बुक ओपन कीजिए, हम लोग मैथमेनिया की बुक पढ़ेंगे। पेज नंबर 4444 ओपन कीजिए। हम लोग पुट और बिटवीन द नंबर, तो यहाँ पे ये जो सिंबल दिया हुआ है ये सिंबल ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन का होता है। ग्रेटर देन में आप इस सिंबल को यूज़ करेंगे। ओके, तो ग्रेटर देन में आप इस सिंबल को कैसे यूज़ करेंगे ये आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे 3 है और 5 है, तो 3 और 5 में ग्रेटर कौन है, मीन्स बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, तो इस सिंबल को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, ये 5 की तरफ होगा इसका सिंबल। मीन्स आप इसे क्रोकोडाइल का फेस समझिए। क्रोकोडाइल का फेस जिधर की ओर मुँह खुला होता है वो ग्रेटर देन की, तो मतलब बड़े नंबर की तरफ उसका मुंह खुला रहेगा। तो 5 नंबर बिगेस्ट नंबर है तो इसके तरफ ये खुला हुआ रहेगा। ओके, आप इस चीज़ को याद कर रखेंगे। अब दूसरा है हमारा 6 और 2। तो 6 और 2 में ग्रेटर कौन है, बड़ा कौन है, 6 है, तो हम 6 की तरफ करेंगे। ठीक है, 2 है और 9 है, 2 और 9 में ग्रेटर कौन है, 9 है, तो हम 9 के तरफ करेंगे। अब 10 है, 11 है, तो बिगेस्ट नंबर 11 है हमारा, तो हम 11 पे करेंगे। 13, 17, बिगेस्ट नंबर हमारा 17 है, तो हम 17 के तरफ करेंगे। 18, 16, बिगेस्ट नंबर हमारा 18 है, तो हम 18 के तरफ करेंगे। 15, 12, बिगेस्ट नंबर हमारा 15 है, तो हम इसे 15 के तरफ करेंगे। 17 और 13, बिगेस्ट नंबर हमारा 17 है, तो हम इसे 17 के तरफ करेंगे। 9 और 11, बिगेस्ट नंबर हमारा 11 है, तो हम इसे 11 के तरफ करेंगे। 21, 12, बिगेस्ट नंबर हमारा 21 है, इसे हम 21 की तरफ करेंगे। 18, 20, बिगेस्ट नंबर हमारा 20 है, तो हम इसे 20 की तरफ करेंगे। 12, 17, बिगेस्ट नंबर हमारा 17 है, तो हम इसे 17 की तरफ करेंगे। तो ये हमारा हो गया पुट और बिटवीन द नंबर, ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब आपको भी केयरफुली इसे करना होगा, ये आपका होमवर्क है। इधर का ये मैंने एक बता दिया है और इधर आप खुद से करेंगे। ओके, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद से करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे। बाय।